हम लोग अब पहुंच चुके हैं क्रैंचरी फॉल्स की एंट्री पे। तो यहाँ पे ये इसका पार्किंग लॉट है, 50 रुपये इसकी फ़ीस है, और वहाँ पीछे से क्रैंचरी फॉल्स की एंट्री है जहाँ से हम अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आप जब जोगाई की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ता इसका कटता है, तो लगभग 1 किलोमीटर अनकंस्ट्रक्टेड रोड पे आपको चलना पड़ेगा और तब आप यहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा वाटरफॉल्स के लिए। लेट्स स्टार्ट अवर वॉक गाइस। वहाँ से हमारी वॉक स्टार्ट हुई है जस्ट पीछे से, और हमें आगे की तरफ जाना है अभी नीचे उतर के। तो अभी रास्ते में एक ग्रुप मुझे मिला था, उनसे मैंने पता करा, उन्होंने बताया कि काफ़ी वॉक है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। मेरी एक्चुअली क्लोथिंग भी चेंज हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो रही थी, धूप ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने स्वेटशर्ट उतार के टी शर्ट में आ गया। ये हमारी यहाँ पे स्टेप्स चालू हो गई, वहाँ से उबड़ खाबड़ रास्ता आया और अब ये स्टेप शुरू हुई हैं, तो ये स्टेप्स उतर के जाने हैं। और यहाँ पे एक बैठने का भी एरिया दिया हुआ है, अभी नहीं काम आएगा, लौटते समय काम आएगा ये। अभी जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि अभी पूरा जो है वो स्टेयरकेस ही है यहाँ पे, बट काफ़ी लॉन्ग स्टेयर्स हैं तो वॉक करने में इशू नहीं है, जैसे कि डबल डेकर रोड ब्रिज में था उसमें बहुत ज़्यादा छोटी स्टेयर्स थी, बट यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्टेयर्स हैं, सो इट्स ईजी टू वॉक। तो यहाँ पर हमारी थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद आ गई एंट्री। यहाँ पे टिकट काउंटर आया है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो आप यहाँ वाटरफॉल में कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो यहाँ से अभी हम टिकट परचेज़ करेंगे, देखते हैं टिकट कितने का है। सो टिकट है एडल्ट का 50 रुपये और चिल्ड्रन का 30 रुपये। तो यहाँ पे ले लिया हमने 2 टिकट। नाउ जर्नी स्टार्ट्स फॉर द वाटरफॉल। और यहाँ पे ही सामने कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है वहाँ पे, लेट्स सी क्या है। गाइस यहाँ पे ऊपर जो है वो बोटिंग का है और नीचे अगर आप जाते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, बट लाइफ जैकेट जो है दैट इज़ अ मस्ट। लाइफ जैकेट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ पर पर्सन, और बोटिंग अगर आप करते हैं तो 200 रुपीज़ लगते हैं, सो यू कैन एंजॉय। निया को यहाँ पे मिल गए थे अपने साथ की फ्रेंड एंड शी बिकेम सो हैप्पी। देखो हम बहुत खुश हो गए, हमें फ्रेंड्स मिल गए, हमें फ्रेंड्स मिल गए, शी इज हैप्पी। तो गाइस टिकट काउंटर ऊपर था, और अगर आपको लाइफ जैकेट चाहिए या फिर बोटिंग करनी है तो वो वहाँ से नीचे उतर के आके इधर मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 2 लाइफ जैकेट एंड लेट्स गो स्विमिंग। गाइस इट्स एक्चुअली फन ओवर है, और वहाँ पे वो जो 3 लोग तैरते हुए जा रहे हैं उसमें से एक प्रकृति है, शी इज़ ट्राइंग टू गो नियर द फॉल्स।
आखिरी स्टॉप था केंगसरी वाटरफॉल्स। अगर आपको हमारी ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। यहाँ से हम अपनी जर्नी एंड करेंगे मेघालय की और अपने घर वापस जाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ऐसी ही ट्रैवल वीडियोस चाहिए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब भी करें। टिल देन बाय।